सावन अष्टमी नवरात्रों में पंजाब के कोने कोने से संगत की ओर से लंगर यहां लगाए हुए हैं। वहीं अन्य राज्यों से भी संगत लंगर बड़े ही शारदा भावना से लंगर लगा रही है। श्री आनंदपुर साहिब माता श्री नैना देवी रोड गांव रामपुर झज्जर के नजदीक नैना देवी मंदिर कमेटी बहादुरगढ़ रतिया हरियाणा से 27वां विशाल भंडारा माता रानी की कृपा से लगाया जा रहा है। लंगर के प्रबंधक सुरेश कुमार धनेजा एवं अरुण कुमार बताया कि नाश्ते में इलायची वाली चाय, पराठा, आलू पराठा, अचार, दही, गोलगप्पे, मंचूरियन, दही भला, नूडल, टिक्की, समोसे के स्नैक संगत को दिए जाते हैं। भोजन में दाल कढ़ी, छोले, हरी सब्जी, शाही पनीर, कड़ाही पनीर, मलाई कोफ्ता, दही, चावल, सलाद होता है। मीठे पकवानों में जलेबी, खीर, हलवा आदि बनाया जाता है। उन्होंने बताया कि 100 के करीब सेवादार दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। लंगर के साथ साथ संगत के रहने के लिए भी प्रबंध किया गया है। उन्होंने बताया संगत के नहाने एवं पकाने के भी उचित प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही मेडिकल सुविधा भी संगत को दी जा रही है। उन्होंने बताया कि बहादुरगढ़ रतिया के आसपास के लोगों में सावन अष्टमी नवरात्रियों को लेकर बहुत उत्साह है एवं जो सेवादार हमारी लंगर कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं एवं जो सेवा करने यहां आए हुए हैं वह लंगर लगाने से 2 दिन पहले ही पहुंचकर सभी प्रबंध करने के लिए जुट गए थे। उन्होंने बताया कि लंगर में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही खाने के व्यंजनों की क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं किया जाता एवं उच्च क्वालिटी खाने के पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार धनेजा, श्री नैना देवी लंगर कमेटी बहादुरगढ़ रतिया हरियाणा से। ये 27वां लंगर लगाया जा रहा है जी। की पकवान है लंगर से? पकवान में सुबह चाय, नाश्ता, परौंठे, दोपहर में गोलगप्पा, दही बल्ला और ये स्टाल लगा लो, समोसे की भी लग जाती है और टिक्की की भी,
मंचूरियन की भी, रात को खाने में जो है खीर और दाल सब्जी पनीर मटर सब्जियाँ। कितने सेवादार हैं? सेवादार हमारे पास 60 हैं। सारे सेवादार? हाँ जी, सब सेवादार। लेडीज भी है? हाँ जी, लेडीज भी है। नहीं जेंट्स? नहीं जेंट्स, जेंट्स हैं। लंगर तो कितना का तुझा है, कितने की संगत आ रही है लंगर? हाँ जी काफी है जी, संगत की कोई गिनती नहीं है। सुबह 4 बजे लग जाते हैं, रात के 11-12 बजे तक चलती है। संगत की तो कोई गिनती नहीं है, हजारों में है, उनको गिनती तो रखते नहीं। हलवाई हमारे पास 10 हैं, रोटी पकाने वाले 6 हैं, सब सेवादार हैं, सेवा करते हैं, खूब सेवा करते हैं। मेरा नाम अरुण कुमार है जी। श्री नैना देवी लंगर कमेटी बादलगढ़ रहती है जी, ये हरियाणा में है ये। 27वां हमारा माँ विशाल भंडारा है, 5 अगस्त से माँ मई छत तक लगाया जाएगा जी। कितने दिन का भंडारा? लगभग 10 से 12 दिन का भंडारा लगाते हैं जी हम हर साल। कितने श्रद्धालु 60 तो हमारे सेवादार हैं जी, बाकी खुले सेवादार भी हो जाते हैं जी उसमें। 10 से 20 हमारे हलवाई हैं, इसमें बीच में रोटियां वाले भी हैं जी। की पकवान की किया? सुबह 4 बजे जैसे नाश्ते में आप लगा लो परांठा दे रहे हैं जी, परांठे के साथ दही होगी, मक्खन हो गया, अचार हो गया जी। ये परांठा हमारा 10 से 11 बजे तक चलता है जी। उसके बाद साथ के साथ सफाई करने के बाद आधे घंटे का गैप लेते हैं हम, उसके बाद स्टाले लगा रहे हैं जी। इसमें गोलगप्पे 1 से 2 घंटे के बीच में, उसके बाद टिक्की और जैसे मंचूरियन हो गया, 3 से 4 स्टाले कंटिन्यू दे रखते हैं जी, मतलब 4 बज जाते हैं उसमें हमारे को। उसके बाद आधा घंटा साफ सफाई करने के बाद लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच फिर चाय दे देते हैं जी समोसे के साथ। 6 बजे हम आरती करते हैं जी, 6 से 6:30 बजे तक। उसके बाद रात का भोजन, रात के भोजन में खीर होगी जी, 2 सब्जी, 1 लिक्विड और 1 सूखी सब्जी जी। ये हमारा है रोज का शेड्यूल जी। और जैसे ही 10-11 बजती है तो उसके बाद हम सिर्फ चाय के साथ रस या बिस्कुट दे रहे हैं जी। संगत के रहने के लिए भी को है? हाँ जी, हमारे संगत के रहने के लिए 2-3 हॉल बनाए हुए हैं हमने, जैसे सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, उसमें यात्रियों को बिना पैसे के गद्दा दरी अरेंज करते हैं जी उनके लिए, और नहाने धोने का, फ्रेश होने का उनका सारा इंतजाम है। लंगर का तो ऐसा है जी, इसका तो कोई आइडिया नहीं लगता, चलता सारा दिन है जी कंटिन्यू।